हेलो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का परीक्षा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, टीडीएस में लगभग 40,000 ज्यादा पदों पर आपकी वैकेंसी आई हुई है। तो अपन इस वीडियो पे दो मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि इस वैकेंसी के लिए कौन कौन से लोग वैध हैं, वैलिड हैं, कौन कौन से लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, माने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे, और दूसरा एज क्राइटेरिया के बारे में हम बात करने वाले हैं। राइट, देखिएगा यहां आपके साथियों जो डेट है 27/1 से 16/2 तक आपके जो है साथियों फॉर्म फिल होने हैं, है ना, ये आपको पता है। अब देखिएगा यहां अगर हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहां आपको ध्यान देना है कि 10th स्टैंडर्ड आवश्यक है आपके पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, 10th स्टैंडर्ड, हैविंग पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, हैविंग बीन स्टडी एज अ कंपल्सरी आर इलेक्टिव सब्जेक्ट। ओके, और साथियों इसके अलावा आपको यहाँ लोकल लैंग्वेज भी क्या है आवश्यक है। जैसे अगर हम बात करते हैं अदर क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अतिरिक्त आपके पास और कौन कौन सी योग्यता का होना आवश्यक है, तो नंबर एक है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, माने कंप्यूटर का आपको बेसिक आइडिया हो, है ना, माने थोड़ी बहुत उसमें आपको काम करना आता हो। इसके अलावा नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, आपको साइकिलिंग मतलब साइकिल चलाना आता हो। और तीसरी बात है कि मींस ऑफ लाइवलीहुड, है ना। तो ये आपकी क्या है बेटा, तीन अदर क्वालिफिकेशन की भी यहां आपसे जो है तो बात की गई है 10th के अलावा। ओके, अगर आपके पास योग्यता है तो आप इसमें फॉर्म फिल कर पाओगे। और साथियों इसमें जो दूसरी बात है वो बात निकल के आती है एज लिमिट को लेकर के। तो यहां आप देख पा रहे होंगे कि फॉर्म फिल करने की जो आपकी मिनिमम एज है वो है 18 साल। मान लीजिए आपने 10th पास आउट आप हो गए हैं और आपकी एज 18 साल की कंप्लीट नहीं हुई है, देन आप इसमें फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। मिनिमम एज जो है 18 है, और साथियों जो मैक्सिमम एज है ये आपकी 40 ईयर्स है, माने 40 वर्ष है। और साथियों ये जो आपकी एज काउंट होगी, लिखा हुआ है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एज पर नोटिफिकेशन। ओके, लास्ट डेट जो आपके लिखी हुई है फॉर्म सबमिट करने की, उससे क्या होगा आपका एज काउंट होगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसी कैटेगरी से आते हैं जहां एज में आपको रिलैक्सेशन मिला हुआ है, तो यहां आप देखोगे कि भाई आपके पास क्या है, अलग अलग कैटेगरी पे अलग अलग एज रिलैक्सेशन आपको दिया गया है, यहां आप इसको देख सकते हैं। साथियों अगर आप एज अवेयर कैटेगरी के हैं तो यहां आपको एज में किसी तरह का रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। तो इस वीडियो में अपन यही दो मुद्दे बात करनी थी। मुझे उम्मीद है कि आप यहां ये जान गए होंगे कि कौन से लोग और किस उम्र के लोग जो है तो फॉर्म फिल कर पाएंगे। हालांकि आपको पता है कि इसमें आपका एग्जाम नहीं होना है, 10th के जो आपके मार्क्स हैं उसी के बेस पर आपका जो है तो रिजल्ट बनने वाला है। लेकिन अगर आप इसके अलावा भी सेंटर या स्टेट लेवल के किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो परीक्षा प्रो में आपको उन सभी परीक्षाओं से संबंधित टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और आपको पता है यहाँ की सिंगल सब्सक्रिप्शन पर हम आपको परीक्षा ऐप पर उपलब्ध सभी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों अगर आप इसे अभी ज्वाइन करते हैं, लगाते हैं एक कोड, वो कोड क्या है, वो कोड है PRADEEPSIR40, प्रदीप सर 40। तो यहां आपको 40% की एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।